अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज भारत की सरकार ने देश का बजट प्रस्तुत किया है और वो बजट इस बात का साफ संकेत है कि ये सरकार इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, पूंजीपतियों के पक्ष में है। टैक्स में छूट की उम्मीद कर्मचारियों ने लगा रखी थी, एमएसपी की गारंटी की उम्मीद अन्नदाता किसानों ने लगा रखी थी, नौकरी कैसे नौजवानों को मिलेगी इसकी उम्मीद नौजवानों ने लगा रखी थी, और सरकारी कंपनियों की बेच पर, सरकारी कंपनियों की सेल पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी इसकी उम्मीद पूरे देश के कर्मचारी वर्ग ने लगा रखी थी। लेकिन इन सभी मुद्दों पर आज का बजट देश की जनता को निराश करने वाला बजट है। इस बजट में एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं, एमएसपी की गारंटी का प्रावधान नहीं, एमएसपी की गारंटी के लिए बजट का आवंटन नहीं। इस बजट के अंदर कर्मचारियों के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं, जबकि उद्योगपतियों के लिए टैक्स की छूट। इस बजट के अंदर 400 वंदे भारत चलाने की योजना सरकार लेकर आई है। ये वंदे भारत क्या है? पूंजीपतियों से खरीदे जाने वाली ट्रेन। तो नाम तो है वंदे भारत, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं धंधे भारत। ये धंधे भारत कर रहे हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर इस देश के आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। 60 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही है सरकार। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी, तो पहली बात तो ये कि 7 साल बाद अब तुम 60 लाख पे पहुंच गए, तो पहले झूठ बोला, अब महा झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे होगा? कोरोना की महामारी से पीड़ित जनता इंतजार कर रही थी कि बड़ी राहत भाजपा की सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन न मोदी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं, न योगी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी रहने वाली पार्टी है, और उसने लगातार इस कोरोना की महामारी में भी चंद पूंजीपतियों की आमदनी हजारों गुना बढ़ाई है कि बीजेपी से गहरी नाराजगी लोगों के मन में है। और जिस प्रकार की भाषा आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको तो सुन के मैं हैरान होता हूं कि किसने इनको गृह मंत्री बना दिया। क्या बोला गृह मंत्री जी ने? कहने लगे साहब, जाटों से हमारा रिश्ता 650 साल पुराना है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि भाई 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या था, ये बता दो। दूसरी बात क्या कहा उन्होंने? जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी, हम भी मुगल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अंतिम मुगल बादशाह हिंदुस्तान में हुए बहादुर शाह जफर जी, जिनके साथ शहीद मंगल पांडे और तमाम क्रांतिकारी शामिल हुए, उनके 2 बेटों का सर काट दिया गया, तो वो तो रंगून में उनकी कब्र बनी हुई है, उनकी मजार है, वहां से उनको निकाल के उनसे लड़ रहे हो तो बता दीजिए। या मोदी जी को मुगल कह रहे हैं अमित शाह, तो बता दीजिए, क्योंकि मुगल तो चले गए हिंदुस्तान से, और अंतिम जो बादशाह थे उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई आजादी के आंदोलन की, तो मुगल किसको कहा उन्होंने, एक बात। दूसरी बात, 80-20 कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि जो हजारों लाशें नदी के घाट पे सड़ी हुई मिली, वो 80 में आते हैं कि 20 में? वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, 80 में आती है कि 20 में? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हुआ, वो 1 साल तक बैठा हुआ किसान जिसमें 750 शहीद हो गए, ये सब 80 में आते हैं कि 20 में? वो सुहागिन महिलाएं जिन्होंने, शिक्षा मित्र महिलाओं ने अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया, 80 में है कि 20 में? इसलिए इनकी सारी नकली बातों को प्रदेश की जनता पहचान चुकी है, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इनके अफवाह तंत्र में कोई फंसने वाला नहीं है।
कि आज अखिलेश जी भी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और आदित्यनाथ जी ने 6 रुपए की यूनिट 3 रुपए कर दी। तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी के आने से 2 काम हुआ, थोड़ा बहुत मजबूरी में ही सही दूसरी पार्टियों को मुद्दे पे बात करनी पड़ रही है, एक बात। और दूसरी बात, अब ट्रांसफर की लिस्ट नहीं निकालते ये लोग। जब से मैंने पढ़ दिया कितने ठाकुर SP, कितने ठाकुर DM, कितने ठाकुर DIG, कितने ठाकुर IG, तब से आपको फिर खबर पढ़ने को नहीं मिली होगी। और दूसरी बात क्या हुई कि अब जितने भी पार्टी टिकट दे रहे हैं वो इस मामले में पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि उनके ऊपर जातिवाद का ठप्पा ना लगने पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं, सबकी लिस्ट पढ़ लो, सब सावधान हो गए हैं कि जातिवाद का ठप्पा ना लगने पाए। तो ये काम हमारे रहने से ही हो रहा है, इसको करने दीजिए, जनता को विश्वास हो रहा है। धीरे धीरे ये जो सड़ी गली व्यवस्था है उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, टूटेगी ये व्यवस्था। इतने लोग आज यहाँ पे हैं, हम तो इसी मेरठ में आते थे, कभी 10 लोग भी नहीं इकट्ठा हुए। अब लोग, हमारा विस्तार हो रहा है, संगठन बढ़ रहा है, 40 लाख वोट जिला पंचायत में हमें मिला, हमें उम्मीद नहीं थी। 83 हमारी जिला पंचायत की सीटें आई। BJP वाले कह रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में इनका क्या है, लेकिन मिली प्लानिंग है, क्योंकि जो मुद्दे अभी आप आज बता रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताते हैं, बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आते, एटलीस्ट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, आपके पास क्या मजबूत और ठोस रणनीति है जिसका आप मुकाबला करेंगे? देखिए, क्योंकि जो आपके प्रत्याशी खड़े किए गए हैं उसमें से कोई भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमने लंबे समय से डोर टू डोर अभियान चलाया, 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चलाया, लाखों लोगों के फॉर्म भरवाए घर घर जाके, और इसी का दबाव है कि आज दूसरी पार्टियां भी बिजली फ्री पे बात कर रही हैं। और पहुंचाने का तरीका लोकतंत्र में क्या है, पर्चे हैं, पोस्टर हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, हम अपने सारे माध्यमों से BJP के अफवाह तंत्र को, और TV चैनल्स पे जब आप लोग मौका दे देते हैं वहाँ भी, तो हर माध्यम से इनके इन धारणाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर के बारे में क्या है? मुजफ्फरनगर के किस मुद्दे के बारे में? जो इस समय चल रहा है, क्योंकि सभी नेता वहाँ पर जाते। मैंने आपको कहा कि जब एक पार्टी मुद्दा विहीन है तो वो जाति और धार्मिक रंग में चुनाव लड़ना चाहती है, उसका नाम है BJP। उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जिस तरीके से इनको दौड़ा रही है गांव-गांव में, मुझे लगता है कि लोग सावधान हो गए। ये मुजफ्फरनगर जाएं या कैराना जाएं या जहां भी जाएं, लोग इनसे सावधान हो गए। बताइए, कह रहे हम पलायन नहीं होने देंगे, क्यों भाई? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, देश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, आप सारे लोग हिंदू हैं और हिंदुओं का पलायन हो रहा है आपके राज में, तो पहले अपना इस्तीफा लेके आइए, तब इस पे बात कीजिए। आपके राज में पलायन हुआ कैसे? आप ही लोग प्रधानमंत्री, आप ही लोग रक्षा मंत्री, आप ही लोग गृह मंत्री, आप ही लोग मुख्यमंत्री, और हिंदुओं का पलायन हो रहा है आपके राज में, 5 साल तक आपको याद नहीं आया, चुनाव आया तो हम कह रहे हैं पलायन रोकेंगे। लेकिन भाजपा के पास एक अपना प्रचार तंत्र है, उससे आप किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं और आपके पास क्या है? देखिए, भाजपा के प्रचार तंत्र में उनका IT सेल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, व्हाट्सएप के ग्रुप है उनके, सोशल मीडिया है, उससे लड़ने के लिए आज की तारीख में मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन सबसे मजबूत अगर किसी के पास संगठन है तो वो आम आदमी पार्टी के पास है, एक बात। दूसरी बात, प्रचार तंत्र और अफवाह तंत्र, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 में कितना काम कर रहा था और 2022 में कितना काम कर रहा है, इसका अनुभव आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। जो कुछ देखने और सुनने में आ रहा है चारों तरफ से, जनता बुरी तरीके से नाराज है। जिन BJP के नेताओं को माला पहना के लोग स्वागत करते थे, आज जूते की माला लेके दौड़ा रहे हैं गांव-गांव। ये इस बात का संकेत है कि BJP से गहरी नाराजगी लोगों के मन में है,